हेलो दोस्तों, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए, फ़ायदा उठा पाए। लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज का क्लास जो होगा वो सी प्रोग्रामिंग का होगा। हम लोगों ने कल के क्लास में डेटा स्ट्रक्चर को देखा था। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने दो बातों को सीखा था, स्टैक और क्यू को। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही। और डेटा स्ट्रक्चर का जो अगला आइटम है वो है लिंक्ड लिस्ट। देखिए, लिंक्ड लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है डेटा स्ट्रक्चर का। इसका प्रयोग क्या होता है आप ये समझे। जब हम एरे का यूज करते हैं तो एरे का डिक्लेरेशन के समय हमें उसका एक साइज दे देना होता है और हम उतने ही एलिमेंट को उसमें भर पाते हैं, इसलिए एरे नेचर से स्टैटिक होता है। पर अगर आप चाहते हो कि हम साइज निर्धारित नहीं करेंगे, हम जितने भी वैल्यू चाहे भरते जाए वो उसे एक्सेप्ट करता जाए, तो उसके अल्टरनेट के रूप में हम लोग लिंक लिस्ट का प्रयोग करते हैं। लिंक लिस्ट जो होगा ये एक लिस्ट बनाता है जैसे एक एरे, और ये डायनामिक होता है। डायनेमिक बोलने का मतलब ये हुआ कि इसकी साइज आपको निर्धारित नहीं हो करनी पड़ती है। आप जब एक आइटम इनपुट करते हैं और जब दूसरा आइटम इनपुट करते हैं तो वो दूसरा वाला पहले से लिंक्ड हो जाता है पॉइंटर के माध्यम से, और ऐसे आप तीसरा वाला भरते हैं तो वो दूसरे से लिंक्ड हो जाता है। तो ये एक चैन बनाता हुआ आपके डेटा को स्टोर करता है। लिंक लिस्ट में हमारा अहम रोल अदा करता है पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ये मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करता है। तो होता क्या है कि जब हम लोग एक लिंक लिस्ट में डेटा इनपुट कर देते हैं और जब दूसरा वाला डेटा इनपुट करते हैं तो उसके मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके हम पहले वाले से लिंक कर देते हैं। ऐसे पहला वाला दूसरे से जुड़ जाता है, तीसरा वाला दूसरे जुड़ जाता है, तो एक मेमोरी एड्रेस का लिंक्ड बन जाता है, चैन बन जाता है, और आपको डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की फैसिलिटी इसके माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों, ये एरे का सुपर सेट होता है और जहां आप एरे यूज कर रहे थे वहां आप लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग टर्बो सी में और इसके प्रोग्राम को देखते हैं। तो देखिए, जो लिंक्ड लिस्ट होता है इसके बेसिकली ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला ऑपरेशन होता है लिंक लिस्ट का क्रिएशन। तो लिंक लिस्ट क्रिएशन में हम लोग एक नोड बनाते हैं। हमारा जो लिंक लिस्ट होता है इसमें दो आइटम होते हैं, एक इन्फो माने डेटा होता है और दूसरा जो होता है वो अगले वाले लिंक लिस्ट के पॉइंटर के माध्यम से एड्रेस को रखता है, जिसे हम लोग नोड बोलते हैं। तो नोड को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट फंक्शन का डिक्लेरेशन करना पड़ा। अगर हमें लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले हो जाएगा। लिंक लिस्ट में आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो ऐड तीन फैशन में हो सकता है, बिगिनिंग में, एंड में, या हम एक पर्टिकुलर पोजीशन दें कि हमारा डेटा कहाँ ऐड हो, तो इसलिए तीन फंक्शन इंसर्ट के लिए डिक्लेयर किया गया है। डिलीट का माध्यम भी तीन होता है, बिगिनिंग का नोड, एंड का नोड, या एक पर्टिकुलर पोजीशन का नोड डिलीट हो, तो उसके लिए तीन फंक्शन बनाए गए हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ लिंक लिस्ट क्रिएशन के लिए एक फंक्शन है, डिस्प्ले के लिए एक है, इंसर्ट के लिए तीन है और डिलीट के लिए तीन है। तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन किया गया है। अब यहाँ लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर की मदद दी गई है। विदाउट स्ट्रक्चर आप लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो इसके डेटा मेंबर हैं, एक इन्फो इंटीजर टाइप का है जो आपके लिंक लिस्ट के डेटा को रखने का काम करता है, और एक नेक्स्ट
पॉइंटर टाइप का होता है जो इसी ही नोड का ही एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होगा, और इसका रोल होता है कि जो अगला हमारा नोड बनेगा उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है, इसलिए इस तरीके का डिक्लेरेशन आपको स्ट्रक्चर में करना होता है। फिर स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था उससे मैंने स्टार्ट पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है, और नल का मतलब ये हुआ कि अभी उसकी लिंक लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, इसलिए नल एक कीवर्ड होता है, तो इसका मतलब उसका इनिशियलाइजेशन मैंने नल से किया है, तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाता है। अब मैंने यहाँ चॉइस के लिए एक वेरिएबल लिया है, और वाइल लूप के अंदर इन सारी बातों को मैंने पैक किया है, इसका मतलब वाइल वन लगा हुआ है तो वो एक ट्रू लूप है, वो अपने लूप से तब बाहर निकलेगा जब ये एग्जिट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो चूंकि हमारे पास कई ऑपरेशन है और यूजर से हम पूछेंगे कि आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इस लूप में पहले चॉइस के लिए मीनू बनाया गया है। वन का मतलब क्रिएट, टू का मतलब डिस्प्ले, थ्री का मतलब बिगिनिंग में इंसर्ट होगा, फोर का मतलब एंड में होगा, फाइव का मतलब एक विशेष जगह पे होगा, डिलीट के लिए हो गए, एग्जिट के लिए हो गए। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मेनू आपके सामने आएगा, आप अपने हिसाब से अपने चॉइस को देंगे, और जो भी चॉइस देंगे उस केस में जाएगा, और उससे रिलेटेड जो फंक्शन है उस केस में कॉल किया गया है, और फिर अगर आप गलत चॉइस देंगे तो रॉन्ग बताएगा। तो इस तरीके से ये लूप में ही पैक रहेगा, ये बाहर तब आएगा जब आप अपना चॉइस 9 देंगे तो एग्जिट होगा, अन्यथा आपको बार बार ये मीनू दिखाता रहेगा, और आप जो वैल्यू चॉइस के रूप में देंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। जितने भी फंक्शन हैं उनका यहाँ पर कोड लिखा गया है, तो सबसे पहले आपके लिंक लिस्ट के क्रिएशन का कोड यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो लिंक लिस्ट क्रिएशन के लिए मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक टेम्प करके है, एक पीटीआर करके है, और एक पॉइंटर टाइप का हो जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ जो ये लाइन लिखा हुआ है ये डायनामिक मेमोरी लोकेशन के लिए है, डायनामिक मेमोरी लोकेशन के लिए मैलॉक एक फंक्शन होता है उसका प्रयोग किया गया है। तो इसका जो नोड का जो साइज होगा उतने बाइट का मेमोरी में आपको जगह एलोकेट करेगा, यानी एक नोड का जो जगह है वो मेमोरी में आपको मिल जाएगा। अगर आपके टेम्प में नल है तो बता देगा कि आप स्पेस यूज कर चुके हो, मेमोरी स्पेस आपका आउट ऑफ हो गया है और वो आपके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं है तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा डेटा अपने नोड में डालना चाहते हो, तो आप जो डेटा दोगे उस डेटा को इन्फो वेरिएबल में वो इनपुट करेगा, और ये एक आपका इंक्रीमेंट के लिए होता है। तो यहाँ टेम्प नेक्स्ट में नल लिखा गया, तो जो टेम्प वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल था उसके दो मेंबर थे, एक इन्फो और एक नेक्स्ट। तो इन्फो में जो डेटा आप इनपुट करोगे वो आ जाएगा, और नेक्स्ट में नल इनिशियलाइज किया गया है। अब यहाँ पर चेक किया गया है कि अगर आपका स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो वो टेम्प को इनिशियलाइज कर देगा स्टार्ट में, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे स्थिति में वो क्या करेगा कि भाई मान लीजिए आपने पहली बार क्रिएट फंक्शन को कॉल किया तो एक ही नोड बनेगा, पर अगर आप क्रिएट फंक्शन के जरिए दूसरा नोड बनाते हैं तो नोड आगे के जगह पे बनना चाहिए, तो उस आगे वाले जगह पे जाने के लिए ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पीटीआर ने स्टार्ट का एड्रेस दे दिया गया है, और स्टार्ट का एक एक इंक्रीमेंट किया गया है जब तक आप नल तक नहीं पहुँच जाएंगे, और उस नल को रीच करने पे जो टेम्प में डेटा है उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये आपका क्रिएट का एल्गोरिथम है। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है, पर कभी भी एग्ज़ाम में कंप्लीट ये प्रोग्राम बनाने को नहीं आता है, आपसे केवल एक एक एल्गोरिथम के बारे में पूछा आता है। तो मान लेते हैं क्रिएट एल्गोरिथम आता है तो आपको ये कोड उसमें लिखना होता है। ये डिस्प्ले के लिए हो गया, तो डिस्प्ले में आपके नोड का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है, चेक किया गया है कि वो इम्पटी तो नहीं है, अगर इम्पटी नहीं है तो जो
आपका नल है वहाँ तक ये रीच करे और आपके इन्फो यानी डेटा को प्रिंट करे, और ये एक एक नोड का इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका डिस्प्ले का फंक्शन हो जाता है। अब आता है इंसर्ट बिगिनिंग का, यानी अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपका एलिमेंट आपके लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड होगा। तो बिगिनिंग में ऐड करने के लिए पहले एक मेमोरी का एलोकेशन किया गया है, नल को चेक किया गया है, फिर आपसे डेटा पूछा गया है, फिर आपके टेम्प के नेक्स्ट में नल को भेजा गया है, और ये चेक किया गया है कि अगर स्टार्ट में नल है तो स्टार्ट में ही टेम्प असाइन हो जाए, पर अगर ऐसा नहीं है तो टेम्प के नेक्स्ट में स्टार्ट का एलोकेशन यानी मेमोरी एड्रेस चला जाता है। तो ये जो एल्गोरिथम है ये बिगिनिंग के लिए है, और इसी तरीके से एक एल्गोरिथम इंड के लिए बनाया गया है। इंड के लिए भी एक टेम्प आपका जो स्ट्रक्चर है पॉइंटर टाइप का, उसका मेमोरी एलोकेशन मैलॉक से किया गया है। ये नल का एरर चेक कराने के लिए है, ये डेटा को इनपुट करा के आपके इंड को रीच कराने के बाद उस डेटा को यहाँ पर ऐड किया गया है। इसी तरीके से अगर आप किसी विशेष पोजीशन पे अपने नोड को ऐड करना चाहते हैं तो उसका ये एल्गोरिथम है। इसमें भी आपका मेमोरी एलोकेशन हुआ है, नल एरर चेक किया गया है, यहाँ पूछा गया है कि किस पोजीशन पे अपने डेटा को आप ऐड करेंगे, किस डेटा को ऐड करेंगे, फिर उस पोजीशन को रीच करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है, और जब आप पोजीशन को रीच कर जाएंगे तो उस डेटा को यहाँ पर ऐड करने का काम किया गया है। इसी तरीके से यहाँ डिलीट बिगिनिंग का यानी जो पहला नोड है उसको डिलीट करने के लिए एल्गोरिथम लिखा गया है। यहाँ पहले एरर चेक किया गया है कि ऐसा तो नहीं कि आपका लिंक लिस्ट इम्पटी है, तो उसके चेकिंग के लिए है। अगर इम्पटी नहीं है तो चूंकि ये बिगिनिंग वाले नोड को डिलीट करेगा तो यहाँ स्टार्ट में स्टार्ट का जो नोड एड्रेस है उसको डाला गया है, और जो उसमें इन्फो है उसको प्रिंट किया गया है। फ्री का मतलब वो वहाँ से मेमोरी से रिलीज हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक फंक्शन लिखा गया है। ये इंड वाले के लिए है, तो जो इंड में नोड होगा उसको डिलीट करने के लिए इस कोड को लिखा गया है, और इंड को रीच करने के लिए यहाँ पॉइंटर का इंक्रीमेंट करके इंड तक पहुँच करके उसको यहाँ पे फ्री किया गया है। किसी विशेष पोजीशन के नोड को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए कोडिंग पूरी यहाँ पे लिखी हुई है, और उसके बाद में आपका ये जो कोड है इसमें पोजीशन की वैल्यू मांगी गई है कि आप कहाँ के पोजीशन के नोड को डिलीट करना चाहते हैं, और उस पोजीशन को रीच करने के लिए ये एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका लिंक लिस्ट का जो 6-7 फंक्शन है उसके कोड लिखे गए हैं। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आप इंसर्ट बिगिनिंग का एल्गोरिथम लिखिए। तो इंसर्ट बिगिनिंग का एल्गोरिथम लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर वाला डिक्लेरेशन है ये आपको कर देना होगा, और जो इंसर्ट बिगिनिंग का एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम को आपको यहाँ पर पूरा टाइप करना होगा। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पिक्चोरली इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है कि कोई एक लिंक लिस्ट है उसके एंड में एक नया नोड आप इंसर्ट करिए, तो वहाँ आपको एक ग्राफ के जरिए एक चित्र के जरिए इस बात को दर्शाना होता है। तो ये कोड के जरिए सारे एल्गोरिथम लिखे हुए हैं। प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, आपको एक एक करके इन्हें समझना होता है। अब इस प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं तो आपके सामने मेनू आ जाएगा, सारा मेनू का ऑप्शन का चॉइस मिल रहा है। तो ऐसे मैंने 1 दे दिया, तो 1 का मतलब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ लिंक लिस्ट, तो मैंने 11 दे दिया, तो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, नोड क्रिएट हो जाएगा, उसमें इन्फो के वैल्यू में 11 चला जाएगा। अगर देखना है तो यहाँ आप 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 मतलब डिस्प्ले के लिए है, तो आपको 11 दिखेगा। अगर आपको फिर कोई काम करना है तो 1 दे दिया तो क्रिएट में फिर जाएगा। यहाँ मैंने 22 दे दिया, अब मैं अगर डिस्प्ले करूँगा तो 11 और 22 आएगा। तो क्रिएट का मतलब ये होता है कि आपका जो नोड है उसी के बाद दूसरा बनेगा, फिर उसी के बाद तीसरा बनेगा, ऐसे 1 by 1 आपके सारे नोड ऐड हो जाएंगे। अब अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं बिगिनिंग पे, माने 11 और 22 है, मैं 11 से पहले कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो बिगिनिंग के लिए मैं 3
चॉइस दूंगा अपना, आखिरी चॉइस देने के बाद में मैंने बिगिनिंग पे ये ऐड कर दिया, तो अगर आप डिस्प्ले करोगे तो वो बिगिनिंग पे दिखाई पड़ेगा। अगर आपको किसी विशेष पोजीशन पे अपने नोड को ऐसा करना है तो आप यहाँ 5 चॉइस देंगे, तो 5 चॉइस करने पे वो पूछेगा किस पोजीशन पे देना है, मैंने कहा 2 पे देना है, क्या देना है, 99 देना है। अब अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो देखिए 2 के बाद यानी तीसरे नोड पे आपका 99 ऐड हो गया। अब ऐसे डिलीट वाला भी आप चला सकते हैं, ऐसे में बिगिनिंग को डिलीट करना चाहता हूँ यानी 33 को, तो यहाँ चॉइस 6 दे दूंगा। 6 देने के बाद में मैं डिस्प्ले करूँगा तो जो बिगिनिंग वाला था वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको 1 by 1 यहाँ आपको चॉइस देना होगा और डिस्प्ले से उसको देखना होगा कि हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब आप 9 यहाँ पे दे देंगे तो वो आपके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें लिंक लिस्ट का जो एल्गोरिथम होता है सारे ऑपरेशन का, वो बारी बारी यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। और इस प्रोग्राम में विशेष तौर पे पॉइंटर और स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज दिखाया गया है। तो आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिएगा। अगर किसी विशेष लाइन पे आपको समस्या है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के इसको पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपका लिंक लिस्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसे ज़रूर करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। इस तरीके से आपका सी का पूरा सेशन समाप्त होता है। तो अब मैं जो आगे वीडियो डालूँगा वो किसी एक अलग सब्जेक्ट का होगा, स्पेशली मैं पाइथन के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो अब आपको जो मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा वो आपका पाइथन लैंग्वेज होगा। पाइथन लैंग्वेज सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये 9th, 10th, 11th, 12th सीबीएसई एसएससी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। आपके ओ लेवल के रिवीजन सिलेबस में सी को हटा के पाइथन किया गया है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीटेक वगैरह में ये पढ़ाया जाता है। तो आपको मैं पाइथन का क्लास आगे दूंगा, दोस्तों उसे आप ज़रूर देखिएगा। आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।